स्वागत है दोस्तों। आज मैं बता रही हूँ कि जब आप नए गमले भरते हैं, पुराने मैंने जैसे ये गुलदौदी के प्लांट्स निकलवाए हैं और गमले पूरे खाली किए हैं, तो आप पुरानी मिट्टी से ही कैसे नई मिट्टी में जान डाल सकते हैं। ये सारी मिट्टी यहाँ निकाल ली है और इसमें ये डाला है वर्मी कंपोस्ट, और ये भी डाल देना भैया, और ये गोबर खाद और कोई कीटनाशक जो आपके पास है, जैसे नीम खली, वो सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिट्टी को फोड़ के इसको इस तरह से मिक्स करके आप नए गमले भर सकते हैं। अब गर्मियों के फ्लावर्स लगाने का टाइम आएगा तो पुरानी मिट्टी में इस तरह से उसको हम रीयूज़ करके पौधों में फिर से नई जान डाल सकते हैं। मिट्टी को दोबारा और नई मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं, पुरानी मिट्टी से ही हम नई मिट्टी बना सकते हैं। ये देखिए, हर बार तो कोई नई मिट्टी लेके नहीं आ सकता, तो पुरानी मिट्टी को ही रीयूज़ करके, और ये जो निकाले गए हैं क्रिजेंथम के फ्लावर्स, इनकी ऊपर से कटिंग करके इनकी जड़ें जो नेक्स्ट सीज़न के लिए हम इसको रख सकते हैं ज़मीन में लगा के। कुछ लोग तो गमलों में ही इसकी कटिंग करके रख लेते हैं, अगर आपके पास गमले ज़्यादा नहीं हैं तो आप इनको नीचे कहीं लगा लें गार्डन में, जिससे नेक्स्ट ईयर ये फिर से एक बड़ा प्लांट बन के उसके हम कटिंग्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी अपनी पुरानी मिट्टी को उसमें और सारी चीज़ें मिला के, खाद, वर्मी कंपोस्ट, काउडंग, नई मिट्टी, नीम खली मिला के बना सकते हैं। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।